अध्याय एक। उठो धरा के वीर सपूतों, कविता। अध्ययन से पूर्व प्रकृति द्वारा हमें किस प्रकार नव चेतना का संदेश प्रतिदिन दिया जाता है, कक्षा में बच्चों से इस विषय पर टिप्पणी अध्ययन पूर्व करवाएं। कविता का मूल तत्व स्वयं में नई चेतना व जागृति भर कर नव युग में नव राष्ट्र का निर्माण करना। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वे फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल में ध्वनि से गूंजती जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। शब्दार्थ आह्वान अर्थात आमंत्रित करना, नूतन अर्थात नया, निर्माण अर्थात रचना, स्फूर्ति अर्थात उमंग, अमर अर्थात जो कभी ना मरे, नवयुग अर्थात नया युग। उच्चारण करें मंगल में, ध्वनियों उमंग विहग गुंजित संपत्ति, पुनः अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कविता के माध्यम से चेतना एवं जागृति के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रस्तुत कविता में पक्षी क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कविता में पक्षियों का संगीत वर्णित किया गया है, जो डाल डाल पर बैठकर कुछ नए स्वरों में गा रहे हैं। ख, कवि ने किसे संबोधित किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने देशवासियों को संबोधित किया है। ग, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। घ, नवयुग की नूतन वीणा में कवि क्या भरने को कह रहा है? उत्तर, नवयुग की नूतन वीणा में कवि नया राग और नया गान भरने को कह रहा है। जरा लिखिए। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, धरती माता की काया कैसी हो रही है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में धरती माता की काया को नई और सुनहरी कहा जा रहा है। ख, कवि संसार रूपी बगीचे को किस प्रकार गुंजित करने को कह रहे हैं? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि संसार रूपी बगीचे को नई मंगलमय ध्वनियों से गुंजित करने को कह रहे हैं। ग, कवि धरती के वीर सपूतों को उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, वे लोक जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राण का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। ख, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि देशवासियों को संदेश देता है कि अब देश स्वतंत्र हो चुका है, आपको ही इसका नव निर्माण करना है, देशवासियों को ही नए प्राण फूंक में है, नए विकास के रास्ते खोजने हैं। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वह इस देश को नए युग में लेकर जाए, और यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। प्रश्न तीन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कवि ने किसे नई नई मुस्कान भरने को कहा है?
मुरझाए फूलों से, भौरों से, पक्षी से, सभी से। उत्तर सभी से। ख, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उत्तर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ग, कविता का मूल भाव क्या है? चेतना का निर्माण, जागृति की आवश्यकता, पुनर्निर्माण की आवश्यकता, अन्य। उत्तर पुनर्निर्माण की आवश्यकता। प्रश्न चार, सही मिलान कीजिए। क, अमर। उत्तर सपूतो। ख, सुमन। उत्तर मुस्कान। ग, विहग। उत्तर स्वर। घ, वीणा। उत्तर राग। प्रश्न पाँच, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, डाल पर बैठे पक्षी नए डैश में गाते हैं। उत्तर स्वर। ख, जनजीवन में नई डैश और प्राण भरो। उत्तर स्फूर्ति। ग, डैश माँ की काया सुनहरी हो रही है। उत्तर धरती। घ, ज्ञान दीप जलाकर डैश का आह्वान करो। उत्तर नवयुग। प्रश्न छः, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। क, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठा धरो के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ख, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। प्रश्न सात, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। क, संपत्ति। उत्तर उसने कड़ी मेहनत कर अधिक संपत्ति अर्जित की है। ख, आह्वान। उत्तर देवताओं के अफवाह के बाद पूजन प्रारंभ हुआ। ग, भौरे। उत्तर प्रातः फूलों पर भौरे मंडराते हैं। घ, ज्योति। उत्तर दीपक की ज्योति कितनी प्रज्वलित हो रही है। ण, स्फूर्ति। उत्तर अत्यधिक कार्य करने के लिए शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए। च, नूतन। उत्तर मैंने आज एक नूतन कार खरीदी। छ, उमंग। उत्तर 12वीं पास करने के बाद मैं एक नई उमंग से कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गया। ज, प्रकाश। उत्तर सूर्य के प्रकाश से शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। जरा सोचिए। प्रश्न आठ, संपूर्ण भारत ने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस को वसंत पंचमी के उत्सव में रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक जन माँ सरस्वती की आराधना कर क्या आशीर्वाद मांगना चाहेंगे? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। प्रश्न नौ, क्या धर्म एवं जाति के आधार पर देश में नव निर्माण संभव है? कक्षा में चर्चा कर अपनी सहमति असहमति के कारण सही प्रस्तुत कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। उत्तर क, नूतन। ख, भक्त। ग, आस, आशा। ग, उमंग। ण, सपूत, सुपुत्र। प्रश्न 11, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। उत्तर क, ज्ञान। ख, उद्यान। ग, स्फूर्ति। घ, निर्माण। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क, निसंकोच। उत्तर निश्चमा संकोच। ख, दुशासन। उत्तर दुश्चमा शासन। ग, निष्फल। उत्तर निहिजमा फल। घ, पुनर्जन्म। उत्तर पुनः जमे जन्म। प्रश्न 13, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। क, जो नया हो। उत्तर नवांगुतक। ख, जो देखने योग्य हो। उत्तर दर्शनीय। ग, शक्ति के अनुसार। उत्तर यथाशक्ति। घ, जो देखा ना जा सके। उत्तर अदृश्य। प्रश्न 14, दिए गए शब्दों में लगे कारक चिन्हों के आधार पर वचन बदले। क, फूल को। उत्तर फूलों को। घ, देव से। उत्तर देवों से। ग, उमंग पर। उत्तर उमंगों पर। घ, धारा के। उत्तर धाराओं के। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 15, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 16,
प्रस्तुत कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के विषय में जानकारी एकत्रित कर 10 पंक्तियां लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, प्रश्न 17। हमें जीवन में नई चेतना, उमंग और विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। आप अपने जीवन का नव निर्माण किन मूल्यों पर करना चाहेंगे?